लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय के बाहर राजस्थान से आए राजस्थान के बेरोजगार एकता संघ के युवक और युवतियों ने राजीव गांधी को माल्यार्पण और प्रणाम किया और कहा कि प्रियंका गांधी से हमको मिलवाया जाए और हमारी मांगे पूरी कराई जाए। इसी के साथ ही बेरोजगार एकता संघ के 5 सदस्य इसके चलते भूख हड़ताल पर भी रहे हैं, जिसमें एक युवती की तबीयत बिगड़ गई है। सहारनपुर के थाना ननौता पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में सीमेंट व्यापारी आशीष को गोली मारने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 अभियुक्त अभी तक फरार हैं। आपको बता दें कि थाना ननौता पहुंचे एसपी देहात अतुल शर्मा ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आपसी तनातनी और कहासुनी के चलते अभियुक्तों की तरफ से घटना को अंजाम दिया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तों को कब्जे से आपको बता दें अवैध असला सहित मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन के साथ कई सामान और बरामद किए गए हैं। देवबंद रोड पर कुछ लड़कों द्वारा एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी, जिसका कि नाम आशीष था। उसके संबंध में जो है यहाँ पर एक मुकदमा अभियोग पंजीकृत हुआ था और उसी में यहाँ के थानाध्यक्ष थाना ननौता की और हमारी एसओजी टीम जो है वो इनकी तलाश में लगी हुई थी। कल जो है इसमें हम लोगों ने पुलिस लोगों के साथ मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में हम लोगों ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि इस घटना में इन्वॉल्व थे। गुजरात के राजकोट में कस्टर्न विश्वविद्यालय पुलिस की एक टीम ने राजकोट शहर में कई जगहों में रिक्शा चोरी करने और इंजन और चेसिस नंबर को बदल कर बेचने का आरोप में आपको बता दें 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 2 महीने पहले टिटोडिया क्वार्टर से एक रिक्शा चोरी हो गई थी और उस पर एक स्क्रैप रिक्शा की नंबर प्लेट भी लगी थी। इसी तरह 1 महीने पहले साधु वासवानी रोड से भी एक रिक्शा चोरी हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी और इसके बाद अब पुलिस को सफलता मिली है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। गुजरात चिकित्सा शिक्षक संघ और गुजरात इन सर्वी डॉक्टर एसोसिएशन डॉक्टर्स की तरफ से पूरे राज्य में आंदोलन का मार्ग अप्रशस्त किया गया है, जिसके चलते राजकोट पीडीयू मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। इससे ओपीडी में रहने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि राजकोट मेडिकल कॉलेज के 180 चिकित्सा शिक्षकों के कुल 330 डॉक्टर और राजकोट जिले के 150 सरकारी डॉक्टर भी आंदोलन में शामिल हुए। हमीरपुर में पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने साइकिल से गश्त करने के दौरान लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने बेतवा तटबंध पर पीने के पानी की व्यवस्था के लिए नगरपालिका को निर्देश दिए। वहीं पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने बेतवा तटबंध की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण के भी निर्देश दिए। लालकुआ युवा बीजेपी नेता दीपेंद्र सिंह कोश्यारी ने लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। आपको बता दें यहां दीपेंद्र कोश्यारी ने सोमवार को गोलापार चोर गलिया और बैरी पड़ाव हल्दूचौड़ सहित कई गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान ग्रामीणों ने दीपेंद्र सिंह कोश्यारी का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान दीपेंद्र सिंह कोश्यारी ने ज्येष्ठ प्रमुख अमित नेगी का हालचाल जाना और जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना भी की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। यहाँ जो हमारे विधायक जी हैं उनके द्वारा भी कई कार्य किए गए हैं, लेकिन चूंकि अब चुनावी समय आ चुका है और लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जितने हमारे कार्य हुए हैं, सरकार द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं, उसको किस तरीके से जनता के बीच लाया जाए और किस तरह से जो योजनाएं, जो घोषणाएं हुई हैं उनको किस तरह से धरातल पर लाए जाएँ, उसी चीज़ का अब सब लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं।